अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से धड़ल्ले से चल रहा है अवैध हॉस्पिटल का कारोबार। आधे से ज़्यादा अस्पतालों में मानक पूरे नहीं हैं। सीएमओ ऑफिस में तैनात बाबू की मेहरबानी पर ये कारोबार फल फूल रहा है। वहीं जनपद में जितने अस्पताल हैं उनमें से आधे से ज़्यादा बिना मानक के चल रहे हैं। आपको बता दें, सीएमओ कार्यालय में एक बाबू मानकों के विपरीत कमाई वाले 5 विभाग अपने पास रखे हुए हैं, जबकि अन्य बाबू खाली हाथ बैठे हैं। आपको बताते हैं, मानक के अनुसार सभी विभाग अलग अलग होने चाहिए, लेकिन ऐसा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ IGRS पे भी शिकायतें आई हैं और साथ में शासन से भी चिट्ठी आई है, जिसमें CMO ऑफिस में कुछ बहुत सारी अनियमितताओं की चर्चा की गई है, नियुक्ति से लेकर के और जो पटल सहायक हैं उनके क्या क्या कर रहे हैं उस संबंध में बहुत सारी अनियमितताएँ की पुलिंदा आया है। इस पर हम लोगों ने CMO साहब से सारी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए कहा है। बेसिकली उसी में जाँच की जाएगी, देखिए क्या सही है क्या गलत है। अलीगढ़ में जिस तरह फर्जी अस्पताल यानी कि मानकों के विपरीत जो अस्पतालों का जो मकर जाल जमा हुआ है, वो ये जो रोड है सड़क पे, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको, ये सड़क है क्वारसी बाईपास। अगर आप एटा चुंगी से क्वारसी की तरफ चलेंगे तो आपको तकरीबन 8 से 10 फर्जी अस्पताल दिख जाएंगे, जिनके ना मानक हैं ना जिनके पास कोई अपना डॉक्टर है, लेकिन इन अस्पतालों में लगातार मरीज आते हैं और तमाम तरीके इलाज का ये दावा करते हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हो, पीछे ये हॉस्पिटल है जिसका नाम शायद यसिका हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल के अंदर ना तो कोई डॉक्टर है ना किसी डॉक्टर की डिग्री, लेकिन धड़ल्ले से मरीज भी आपको अंदर मिल जाएंगे। ऐसे तमाम हॉस्पिटल की मैं बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप एटा चुंगी की बात करें, एटा चुंगी से आगे की बात करें, तो एटा चुंगी से लेकर और क्वारसी चौराहे तक तकरीबन 10 से 12 ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास ना तो मानक है और ना कुछ है, लेकिन हाँ इनकी जान पहचान स्वास्थ्य विभाग में ज़रूर है। स्वास्थ्य विभाग में जो जिनका हमने नाम लिया बाबू का, उनके साथ इनके संबंध जरूर हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य अधिकारी जिनके ऊपर ये जिम्मा है, ACMO BK वर्मा, उनका कहना है कि जो प्रशासन है वो मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन जो उसकी जो पूरी जांच पड़ताल का जो काम होता है, बात करें हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन की, बात करें अल्ट्रासाउंड रजिस्ट्रेशन की, या बात करें झोला छापो खिलाफ कार्रवाई की, तो वो डॉक्टर खत्री के द्वारा किया जाता है, और डॉक्टर खत्री जो है पूरा हिसाब किताब रखते हैं, वो भी उनके जो फेवरेट बाबू हैं रणधीर चौधरी के साथ में, क्योंकि रणधीर चौधरी वो बाबू है जिनके पास ही मलाई वाले बहुत से डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन हो गया, अल्ट्रासाउंड रजिस्ट्रेशन हो गया, या फिर रखरखाव की जो गाड़ियों का रखरखाव है, डीजल है, वो हो गया, या फिर बात करें कि झोला छापे खिलाफ कार्रवाई की, तो एक ही बाबू के पास इतने सारे जो कमाऊ विभाग हैं, तो कहीं ना कहीं मिली भगत साफ तौर पर नज़र आती है, क्योंकि नियमानुसार एक बाबू के पास एक जिम्मेदार वाला पद होना चाहिए, लेकिन अस्पताल जो CMO ऑफिस है अलीगढ़ का, वहाँ पर इस बाबू के पास 4-5 जो ऐसे विभाग हैं जहाँ पर पैसा आता है, वो विभाग एक ही व्यक्ति को दे रखा है, लेकिन बाकी के जो बाबू हैं वो खाली बैठे, उनको छोटे मोटे साफ सफाई के या वैसे कार्रवाई के विभाग दे दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ में जो मैंने आपको कहा कि CMO कार्यालय की तरफ से मिली भगत की वैसे लाखों लोग, हज़ारों लोग अपनी जान जो है सालाना गंवाते हैं, वो डॉक्टर जिनके पास ना डिग्री है ना मानक है, वो डॉक्टर ही नहीं है, आप कहें तो एक तरीके से झोला छापे जिन्होंने प्रैक्टिस की और उसके बाद में अपने अपने अस्पताल खोल कर बैठ गए। यहाँ पर जो अस्पताल के नाम पर ना डिग्री मिलेगी आपको, ना तमाम सुविधाएं जो होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ तक कि जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं, पर्यावरण पॉल्यूशन या फायर की जो NOC होती है, वो तक यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं है, ये प्रैक्टिस करते हैं दूसरे अस्पतालों में, असिस्ट करते हैं डॉक्टर को और अपना अस्पताल खोल कर यहाँ पर बाकायदा मरीजों का इलाज किया जाता है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़।